फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे पर शनिवार को पहुंच रहे मुख्यमंत्री हाड़ा में एक कार्यक्रम के दौरान जल शक्ति विभाग की 6 स्कीमों का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसी दौरान फतेहपुर पहुंचने पर पंचायत मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत करेगी। प्रधान सुशील कालिया ने बताया कि पंचायत मुख्यमंत्री को 7 सूत्री मांग पत्र भी सौंपेगी। इसमें रहन के कदाना में खुल रहे पॉलिटेक्निकल कॉलेज, गर्ल्स व डिग्री कॉलेज रे का नाम फतेहपुर रखने की मांग उठाई जाएगी। इतना ही नहीं, विधायक स्वर्गीय सुजान सिंह पठानिया के नाम पर कॉलेज का नामकरण करने की मांग भी उठाई जाएगी। प्रधान सहित अन्य ने उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री उनकी मांगों पर जरूर गौर करेंगे। आप प्रधान ग्राम पंचायत हाड़ा, शुभ नाम सर। सुशील कालिया। कालिया जी, आज CM साहब हिमाचल प्रदेश आपके पंचायत में कार्यक्रम करने जा रहे हैं, तो पंचायत की तरफ से उनका कैसे स्वागत किया जाएगा? हमारी पंचायत पूरी की पूरी यहाँ उपस्थित रहेगी। हम चीफ मिनिस्टर श्री जयराम जी का दिल की गहराइयों से स्वागत करेंगे, धन्यवाद करेंगे। वो हमारी पंचायत में आ रहे हैं और हम अपनी पंचायत में पंचायत का 7 सूत्रीय कार्यक्रम उनके आगे पेश करेंगे, एक मांग पत्र उनके आगे रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि वो इस मांग पत्र पर पूरा विचार करेंगे और हमें सहयोग करेंगे। क्या मांगे हैं जरा थोड़ा विस्तार से बताएंगे? हमारी पंचायत में सबसे पहले मांग तो ये है कि हमारी पंचायत में एक अंबेडकर भवन का निर्माण हुआ था 5-6 साल पहले। उसमें सिर्फ हॉल ही हॉल है, बाकी उसमें कोई कमरा नहीं है, ना उसमें रसोई है, ना चारदीवारी है। उसको हम सामुदायिक भवन के तौर पर नहीं उसे प्रयोग कर पा रहे हैं, इसलिए हमारा उनसे अनुरोध होगा कि इसको पर्याप्त बजट देकर इसको द्वारा बनाया जाए और इसका सदुपयोग किया जाए। दूसरी मांग हमारी यह है कि जो सड़क हमारी मंडी बोर्ड की तरफ जाती है, ये मंडी बोर्ड की है, इसकी रख रखाव नहीं हो रहा है, इसे PWD को दे दिया जाए जिससे इसका रख रखाव ठीक ढंग से हो सके। तीसरी मांग हमारी है कि हमारा जो PWD रेस्ट हाउस है उसके साथ जो सड़क जाती है गायत्री गौ सदन को, उसको पक्का किया जाए, उसको बनाया जाए। और हमारा चौथी मांग ये है कि हमारा फतेहपुर जो हॉस्पिटल है, अस्पताल है, उसका दर्जा पठानिया साहब ने बढ़ा दिया था, CSC से उसको सिविल हॉस्पिटल बना दिया था, परंतु उसमें पर्याप्त ना तो अभी तक स्टाफ है और ना ही पर्याप्त बिल्डिंग है, तो उसको भी उसकी और भी पूरा ध्यान दिया जाए और बजट का प्रावधान किया जाए। और सातवीं सबसे बड़ी हमारी यह है कि हमारे CM साहब ने पिछले टूर में एक शिलान्यास किया था लघु सचिवालय का तहसील कम्प्लेक्स में, उसका काम अभी तक अधूरा पड़ा है। मेरा CM साहब से अनुरोध है कि जब अगला फतेहपुर में वो टूर प्रोग्राम है तो इसका उद्घाटन करें और इसको जल्दी से जल्दी काम शुरू करवाएं। कि हमारे रहन में एक कॉलेज बना है पॉलिटेक्निक कॉलेज वुमेन और रे डिग्री कॉलेज, हमारी CM साहब से मांग रहेगी कि इसका नाम श्री सुजान सिंह पठानिया जी के नाम से रखा जाए। सर, ये सुजान सिंह पठानिया कौन थे और इनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे? श्री सुजान सिंह पठानिया फतेहपुर के मसीहा थे, वो हमारे विधायक थे, हमारे मंत्री रह चुके हैं, तो वो हमें छोड़कर चले गए हैं। स्वर्गीय सुजान सिंह पठानिया के नाम से ही आज फतेहपुर का नाम जिंदा है। आज फतेहपुर में जो कुछ है उन्हीं के द्वारा लाया गया, सब कुछ उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। जो सच्ची श्रद्धांजलि होगी जयराम ठाकुर जी की तरफ से, यदि हमारी मांगों पर वो विचार करते हैं।